हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी का रेलवे पर। आज के इस वीडियो में हम 1 से 30 तक की संख्याओं का घन निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि घन कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणन फल ही घन कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 घाते 3, यानी कि हमें 1 का घन निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि 1 का गुणा जो है 3 बार में कर लेंगे। तो आइए गुणा करते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1। दोस्तों यदि आप जो है इसका गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि हमें जो है 1 का घन पता चल गया कितना है, तो 1 ही होगा। अब जैसे दोस्तों हमें 2 का घन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेंगे। तो आइए गुणा करते हैं 2 दूना में 4, 4 दूना में होता है 8। तो यहाँ पर जो 8 आया तो प्राप्त गुणन फल ही घन कहलाता है। तो 2 का घन कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब जैसे दोस्तों हमें 3 का घन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेंगे। तो इसका आप गुणा करिए 3 त्रिक में 9 और 9 त्रिक में होता है 27। तो 3 का घन कितना हो गया, 27 हो गया। अब जैसे दोस्तों हमें 4 का घन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए आप जो है 4 गुणे 4 गुणे 4 कर लेंगे। तो गुणा करिए 4 चौका में 16 और 16 चौका में होता है 64। तो यहाँ पर आप ना 64 लिख लीजिए। तो 4 का घन कितना निकल गया, तो 64 निकल गया। अब ऐसे ही दोस्तों जितना भी यहाँ दिया गया है सेम प्रोसेस से ही निकालना है। अब जैसे हमें 5 का घन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 पचे में 25 और 25 पंजे में 125 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, 5 का गुणा जो है 3 बार कर लिया, तो कितना आ गया 125 आ गया। तो यहाँ पर हम 125 लिख लेंगे। तो 5 का घन कितना हो गया, 125 हो गया। 6 का घन कितना होगा, तो 6 का घन हो गया 216। और 7 का घन कितना हो जाएगा, 343। 8 का घन कितना हो जाएगा, तो 8 का घन हो जाएगा 512। 9 का घन हो जाएगा 729। इसके बाद है 10 का घन, तो 10 का घन हो जाएगा 1000। यहाँ पर है 11 का घन, तो 11 का घन हो जाएगा 1331। इसके बाद है 12 का घन, तो 12 का घन हो जाएगा 1728। इसके बाद है 13 का घन, तो 13 का घन हो जाएगा 2197। दोस्तों ऑलरेडी हमने पहले से ही 1 से 30 तक का घन निकाल लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में भी कोई दिक्कत ना हो और आपका समय भी बच जाए। इसके बाद है 14 का घन, तो 14 का घन हो जाएगा 2744। इसके बाद है 15 का घन, तो 15 का घन हो जाएगा 3375। इसके बाद है 16 का घन, तो 16 का घन हो जाएगा 4096। इसके बाद है 17 का घन, तो 17 का घन हो जाएगा 4913। इसके बाद है 18 का घन, तो 18 का घन हो जाएगा 5832। इसके बाद है दोस्तों 19 का घन, तो 19 का घन हो जाएगा 6859। इसके बाद है दोस्तों 20 का घन, तो 20 का घन हो जाएगा 8000। दोस्तों प्रक्रिया आपको वही करनी है, जिस भी संख्या का आप घन निकाल रहे हैं उसी संख्या का आप जो है 3 बार गुणा कर लीजिए। जैसे हमने अभी यहाँ पर 19 का घन निकाला, तो इसके लिए किया क्या गया होगा कि 19 गुणे 19 गुणे 19 किया होगा। तो यदि आप 3 बार जो है 19 का गुणा कर लेंगे तो यही ही संख्या आएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए जो संख्याएं और बची है उसका भी घन निकाल लेते हैं। इसके बाद है 21 का घन, तो 21 का घन हो जाएगा 9261। इसके बाद है 22 का घन, तो 22 का घन हो जाएगा 10648। इसके बाद है 23 का घन, तो 23 का घन हो जाएगा 12167।
इसके बाद है 24 का घन, तो 24 का घन हो जाएगा 13,824। इसके बाद है 25 का घन, तो 25 का घन हो जाएगा 15,625। इसके बाद है 26 का घन, तो 26 का घन हो जाएगा 17,576। इसके बाद है 27 का घन, तो 27 का घन हो जाएगा 19,683। इसके बाद है 28 का घन, तो 28 का घन हो जाएगा दोस्तों 21,952। इसके बाद है 29 का घन, तो 29 का घन हो जाएगा 24,389। और लास्ट में हमारा बचा है 30 का घन। इसका घन आप जो है निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि निकालना कैसे है। इसके लिए आप क्या करिए, 30, इसके लिए आपको जो है 30 × 30 × 30 कर लेना है। तो यदि आप इनका गुणा करेंगे तो जो प्राप्त गुणनफल आएगा वही जो है 30 का घन हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपने 1 से 30 तक का घन निकालना बहुत ही आसानी से सीख लिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।